चक्कर में पुलिस वाले ने मेरे को धर लिया और मेरा टाइम पे एक डायलॉग याद आया, गर्मियों में आम और दिल्ली। तो भाई बच्चे को अपना खाना दे दिया और अभी जा रहे हैं हम महिपालपुर होते हुए वसंत कुंज। वसंत कुंज में क्या काम है, एक्चुअली अपनी स्कूटी जो है ना इसकी सर्विस करवानी है, तो अभी इसमें छोटे मोटे इशू हैं, तो मैं सोच रहा हूँ जहाँ से मैंने परचेज़ करी थी मैं वहीं पर ही सॉल्व करवाता हूँ। एक नंबर प्लेट लगवा लेंगे, RC लगवा लेंगे, साइड स्टैंड सेंसर लगवा लेंगे, छोटे मोटे इशू हैं वो, और बाकी जो बिल्स है वो एक बारी टैली करना है। तो एक बारी रोड पे चलता हूँ, रोड पे चल के लव एनीवन लव लिटिल लव ऑल व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली। तो गाइस निकलते निकलते अपने को 9:30 हो गए हैं, 8:30 बजे की प्लानिंग करी थी और बाकी मीटर वगैरह का भी काम कराते हैं, तो काम का तो आपको पता ही है। तो वसंत कुंज की तरफ चल रहे हैं अपने उसी शोरूम पे जहाँ से हमने इसको परचेस किया था। आपको पता है आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा, तो जब तक ये ब्लॉग पब्लिक होगा मैं अपना वहीं अपने शनि धाम पे मिलूंगा आपको मॉर्निंग में। तो इस वजह से इसमें सर्विस नोटिफिकेशन भी आ रहा है जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो अभी हम वही काम करवाने के लिए जा रहे हैं इसका, कि जाने से पहले एक सर्विस करवा ली जाए। तो सबसे पहले हम अपने रास्ते को जल्दी से कवर अप करते हैं। यार 9:22 पे निकला था और 9:30 पे है ना मैंने दिल्ली कैंट पार कर लिया लगभग 8 मिनट में। अब दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन से है ना, देखो ये सारा धोला कुआं की तरफ ट्रैफिक जा रहा है और यहाँ पर जाम मिल गया, सारा मोराल सारा पिकअप डाउन कर दिया। अब इतना लंबा ट्रैफिक जाम समझ में नहीं आ रहा किस वजह से यार, मतलब कि ये समझ लो मैं 20-25 मिनट में शोरूम पहुँच जाता, मैं 10 बजे तक लगभग, अब लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10:15-10:30 हो जाएंगे। अभी एक्सीडेंट है, ट्रैफिक जाम है, ये नहीं पता चल रहा, आगे देखते हैं क्या है। हो सकता है ये बैरिकेडिंग होगी, मुझे लग रहा है। एक बार इसको क्रॉस करते हैं, पता चला है ब्लॉगिंग के चक्कर में पुलिस वाले ने मेरे को धर लिया और मेरा टाइम वेस्ट हो गया और ज़्यादा। 2 मिनट के लिए आप पॉकेट में आ जाओ, फिर आपसे बात करते हैं। भाई साहब खोदा पहाड़ और निकला चूहा, सीन पता क्या था, ट्रैफिक जाम एक गाड़ी की वजह से, और गाड़ी थी सिर्फ पंचर। उस गाड़ी पंचर गाड़ी को देखने के लिए हिंदुस्तान के लोगों के पास कितना टाइम है, खाली पीली कुछ नहीं, गाड़ी स्लो करके देख रहे पंचर वाले को। मैं दिल्ली में दस्तक दे दिया, मतलब कि मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा था, बट आज सुबह जब जल्दी उठा ना और कल रात को मैं 11 बजे घूम रहा था, तो भाई साहब इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही, बहुत मज़ा आ रहा था। फ्यूल गेज की तारी काट दी, फ्यूल रीडिंग जो लेता है, जो मीटर जो ख़राब हो रखा था उसकी तारी काट दी चूहों ने, ये हल कर दिया। अभी देख रहे हैं ये वायर होगी तो ये डाल देंगे नया, नहीं तो इसको ऐसे ही बंद करना पड़ेगा। और अभी तो साइड स्टैंड का सेंसर भी नहीं है इनके पास, पहले ही बता के आया था इनको, मैं आधे अधूरे काम करते। फ्यूल पंप इसका 400 रुपये का और वो भी अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए अभी हम टेम्परेरी सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको आपस में टेपिंग कर देंगे और टेपिंग करने के बाद इसको होल्ड कर देंगे, नेक्स्ट सर्विस में इसको रिप्लेस करवा देंगे अपने नियर बाय स्टेशन। क्या चीज चूहे मारने वाला, कुबेर उसको दे दे, उसे का नहीं, कुबेर खाने वाला कुबेर, उससे क्या होगा, अरे ये काटने के लिए बोला सामान मैंने। अच्छा जी, तो वो उसकी कुबेर की खुशबू जब तक रहेगी तब तक नहीं आएगा, हमेशा रहती है कुबेर की, तो मतलब कि यहाँ रख दूँ या सीट में रख दूँ। अच्छा मैं सुन रहा हूँ, कान तो खुले हैं, मैट भी डू इट की दे रखी है। ताला क्या यार, तुम शोरूम बेचते हो, गाड़ियाँ बेचते हो। गाइस नंबर प्लेट और RC तो मिल गई है, ठीक है इंस्टॉल करवाते हैं, बट इनके पास सेंसर अभी भी नहीं है साइड स्टैंड का, अब उसके लिए देखते हैं क्या सीन बनेगा। गाइस अभी टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं और हम सर्विस स्टेशन से निकल चुके हैं। काफ़ी टाइम लग गया मेरे को क्योंकि कुछ पैसों का इशू चल रहा था जो मेरे को उनसे लेने थे, बट अभी वो कह रहे हैं कि हमें आपसे लेने, और जबकि उन्होंने हमारा सारा क्लियर हो गया था उसी टाइम पे पैसों का लेन देन शोरूम वालों का। अभी मैं होल्ड करके आया हूँ और साइड स्टैंड का सेंसर अपने को नहीं मिला, और साथ ही साथ जो अपना फ्यूल गेज जो ख़राब हुई है, जो तार चूहे ने काट दी वो भी नहीं मिली, तो हमने उस पर टेपिंग कर दी। तो फुल टैंक मैंने करवा दिया है क्योंकि फ्यूल लिड ख़राब होने की वजह से पेट्रोल नहीं बता पा रहा था कि स्कूटी में तेल कितना है, कोई इंडिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। शुक्र है मैं यहाँ पर शोरूम तक आ गया,
और इस वजह मैंने पूरा टैंक करवा लिया 456 रुपए का। और अब अपन निकल रहे हैं बारिश में भीगते भीगते घर की ओर, और सारी मेहनत अपनी ख़राब हो गई कि साफ साफ सुंदर सुंदर स्कूटी थी, अब वो फिर घर जाते जाते गंदी मट पैली हो जाएगी। तो अभी दिखाने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि बारिश हो रखी है। मैं स्कूटी चलाऊंगा तो दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ पता चला कि हम हॉस्पिटलाइज हो गए। सोचा था घर पे जाके ब्लॉग ख़त्म करूंगा, पिछले 2 किलोमीटर से जाम मिल रहा है। तो इसी बात पे एक डायलॉग याद आया, गर्मियों में आम और दिल्ली में जाम कोई ख़त्म नहीं कर सकता, किसी में इतना दम नहीं है कि दिल्ली का जाम ख़त्म कर पाए। तो अगर आपको ये छोटा सा शेर, जो गंदा सा था, वल्गर सा, लेकिन हाँ ठीक है, यूनिक था और नया था, अच्छा लगे तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर छोड़ो और एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा गाइस। सामने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल है और उधर वो है ना हीरो का शोरूम है, अगर आपको मैं दिख, ये यहाँ पर इधर इसके पीछे हीरो है। मैंने उनको कहा मेरे को रिबिट दे दो, उन्होंने रिबिट दी नहीं, कहते भैया हमारे पास एक्स्ट्रा आते नहीं, हमारे मैंने कहा 5-10 रुपये ले लो, कहते हैं हमारे पास है ही नहीं, हम दे ही नहीं सकते हैं, मैंने कहा। तो अभी मैंने यहाँ पर सिंह ऑटोमोबाइल है तो ये मैंने रिबिट वहाँ से ली है, उधर अपने रमेश नगर का वो गुरुद्वारा है गोरा, और उस साइड से मैंने लिया जस्ट अभी। तो स्कूटी का मेरा नामकरण तो 15 दिन पहले ही हो गया था जब मैंने सॉरी परचेज़ करी थी, उसके बाद 15 दिन के बाद मैं यार फंबल बड़ा मारता हूँ ब्लॉग में, तो परचेसिंग के 15 दिन के बाद हो गया था, बट आज पब्लिकली अनाउंस हो जाएगा कि आज इसका नामकरण पे नाम ये है। मेरा चैनल या मेरे ब्लॉग किसी भी वजह से अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब तो सबसे पहले करो ताकि बेहतर बेहतर कंटेंट मिले। और कल सैटरडे है और कल हम अपनी आखिरी यात्रा पे जा रहे हैं, यानी कि कल अपने 5 सैटरडे हो जाएंगे। तो मैं वही अभी रात को अभी घर जाऊँगा, खाना वाना खा के सो जाऊँगा और उसके बाद रात को 11 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे, सुबह 9 बजे तक अपना घर वापसी। रात का ठीक है यार सिस्टम, क्राउड वगैरह ट्रैफिक वगैरह कम रहता है। तो ये ब्लॉग कल पब्लिक हो जाएगा 8 बजे, तो टिल देन बाय।